बेहद पौश इलाके अशोक विहार में कार रीसेल करने वालों का पूरी पटरी और सड़क पर कब्जा, जनता सड़क पर चलने पर मजबूर। बहुत ही पौश इलाका है, देखिए यहाँ तक गाड़ी खड़ी है, यानी कि बीच रोड की ये पट्टी है, पट्टी से आगे तक गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब मेरे को बीच रोड से जाना पड़ रहा है, यानी कि मैं सड़क के बीचों बीच चल रही हूँ। अपनी जान हथेली पर रखकर ये देखिए यहाँ तक गाड़ियाँ हैं, सिर्फ एक गाड़ी के जाने की जगह है और ये पूरी गाड़ियाँ हैं। आप देखिए डीडी ड्राइव, विपिन मोटर्स, साई मोटर्स, उसके बाद हरीश मोटर्स, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए फिर रिच मोटर्स, और ये देखिए रोड पर गाड़ियाँ किस तरह खड़ी हैं, ये देख रहे हैं आप, बीचों बीच गाड़ियाँ खड़ी हैं, इस तरह गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर। उसके बाद आ गया रिच मोटर्स, फेयर डील मोटर्स, और ये गाड़ियाँ बिल्कुल मेन रोड पर जो बीच की पट्टी है उससे भी आगे तक गाड़ियाँ खड़ी हैं, यानी कि पूरी तो पटरी घेर रखी है, पटरी पर चलने की कोई जगह नहीं है। उसके बाद रोड घेर रखी है पूरी, देख रहे हैं आप, चलने की कोई जगह नहीं है। फिर आ गया नागपाल कार्स, कैलाश मोटर्स, और यहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी हैं। रोड पटरी बिल्कुल जाम है, पटरी पर कोई चल नहीं सकता, रोड आधे से ज़्यादा घेरा हुआ है। कैलाश मोटर्स के बाद ये सानिया मोटर्स, देख रहे हैं हम, स्काईलाइन कार्स, अब आ गया ऑटो कार्स, दिख रहा है, और ये मेन रोड पर गाड़ियां खड़ी हैं। फिर है डील्स फॉर व्हील्स, फिर ऑटो हब, देखिए फोन नंबर भी दे रखे हैं। ये हाल है, मेन रोड आधी से ज़्यादा घेरी हुई है। ऑटो ड्राइव नेशन, ड्रीम मोटर्स, सहानी मोटर्स, ऑटो ड्राइव नेशन, सतीश मोटर्स, देख रहे हैं हम, आधी से ज़्यादा रोड भरी पड़ी है, लेकिन हमारे नेताओं को कुछ नहीं दिखता। जनता पटरी पर नहीं चल पाए, बीच सड़क पर चल ले, क्या फ़र्क पड़ता है, इतने लोग हैं, 10-20 मर जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। हमारे देश के नेता अभी थोड़े दिन में हाथ जोड़कर आपके दरवाजे पर भी आएंगे वोट मांगने के लिए, उनको आपकी जान की इतनी ही परवाह है जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ। वीडियो सही लगी हो, अगर आपको भी जनता की जान की थोड़ी सी भी परवाह हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।